प्लेयर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लेटून FF। और आपको पता है कि राउंड टू के मैचेस चल रहे हैं, लेकिन यार आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है तो मैच टू ही, लेकिन थोड़ी सी आज वॉइस ओवर होगा, लाइव कमेंट्री नहीं होगी, क्योंकि कुछ कारणवश ना मैं उसको लाइव कमेंट्री नहीं कर पाया, तो यार बाद में रिकॉर्ड करने का मज़ा नहीं आता। तो मैंने यार सोचा क्यों ना स्टोरी टेलिंग के फॉर्म पे बताया जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैचों की लिस्ट जो हमने करवा दी है, डेथ स्क्वाड वर्सेस डिस्ट्रॉयर, जिसमें डेथ स्क्वाड विन करी थी। उसके बाद हमने शील्ड और इंडियन आर्मी का भी मैच करवाया था, जिसमें इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छे से जीती थी, टीम काकाशी भी जीत गई थी एक के लेवर से मैच करते हुए। उसके बाद एक के आर्मी और लेजेंडरी स्क्वाड में एक के आर्मी जीती थी। उसके बाद फ्लाई हायर वर्सेस FF किंग का, FF किंग जीत गए थे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, और टीम जोकर जीते थे टीम विलन से। साथ ही टीम D4 वर्सेस टीम KTR, आपको पता ही है टीम KTR जीती थी। आज का जो मैच था ना वो था ब्लैक हार्ट वर्सेस आयोगुरखा में, एक टीम थी नेपाल की तो वहीं दूसरी टीम थी इंडिया की। अब एक नेपाल की एक इंडिया की, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री वॉर हो गया था। कंट्री वॉर की सबसे पहली लोकेशन थी हमारी मिल, ठीक है। तो मिल में फाइट करने के लिए जो आयोगुरखा थी उनके पास एडवांटेज था, क्योंकि वो टॉप पे था और DS स्ट्रॉन्ग वाली टीम जो कि ब्लैक हार्ट है वो डाउन पे थी। अब डाउन वाली टीम को ना थोड़ा सा होल्ड करके खेलना होता है, पर यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। जोम्बी जो था शायद बहुत जल्दीबाजी में था और ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। टॉप की टीम को ऐसा करना होता है कि उनको ऊपर से होल्ड करना होता है, उन्हें भी नीचे जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ना पूरा ही उल्टा हो गया गेम। यहाँ पर DS जॉम्बी जो थे वो रश करने के लिए आगे को बढ़े, सिंगम पीछे होल्ड कर रहे थे, जबकि ऊपर वाली टीम में जो मित्स्यू था ना, मित्स्यू नीचे से आने की उसने सोचा यार पीछे जाऊंगा और किल कर दूंगा और पता भी नहीं चलेगा बंदे को। लेकिन यहाँ पर एडम ने तब तक का डेविल को उड़ा दिया था, डेविल को हेडशॉट से उड़ा दिया, तो हेडशॉट से उड़ाने में दिक्कत हो गई। जॉम्बी जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच गए, बीएच सिंगम ने पीछे मित्स्यू को मार दिया। अब जॉम्बी ऊपर पहुंच गए ना तो क्या हुआ, स्टॉर्म को भी ऊपर आना पड़ा। यहाँ पर टीम का पूरा कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ गया, टीम कोऑर्डिनेशन। उसके बाद तो खतरनाक सीन हुआ कि स्टॉर्म के आगे पे आए थे मिक्की, और मिक्की जो है वो बहुत ही ओपी प्लेयर है और उनको टैकल करना इतना भी आसान नहीं रहा उनके लिए, और इस मुश्किल के कारण पे DS स्टॉर्म को हार का सामना करना पड़ा। पूरी टीम एकदम से लुढ़क गई उनकी, और पहला राउंड इतनी फास्ट खत्म हुआ पता भी नहीं चला, और पूरी टीम चली गई। तो यार यही होता जब आप स्ट्रेटजी के साथ नहीं खेलते हैं। लेकिन अभी भी कोई भी बात मतलब बिगड़ी नहीं थी, क्योंकि पहला ही राउंड था, फिर भी एक छोटा सा प्रेशर तो आ ही जाता है। दूसरा राउंड हुआ इनका सेंटोसा पे। अब सेंटोसा पे मुझे लगा था ना मतलब कि टीम जो है ना कवर करके खेलेगी, कोई ना कोई ओम तो पकड़ के जरूर आएगा, लेकिन दोनों टीम में से कोई ओम पकड़ के नहीं आया। यहाँ पर ना अब सेंटोसा पे लोग फिर से होल्ड करके खेलना चाहते हैं या बहुत जल्दी रश करते हैं, दोनों में से एक होता है। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या चुना, इन्होंने फिर से वही जल्दी रश करने की कोशिश करी, ठीक। तो अब जल्दी रश करने के लिए मित्स्यू ने क्या सोचा कि मैं टीम से अलग जाता हूँ। इनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी, दो एक इधर से जाओ एक उधर से जाओ, बाकी बीच से हम संभालते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजी पर आ रहे थे, और ब्लैक हार्ट कोई भी स्ट्रेटजी के साथ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये लोग क्या हुआ, एकदम से सेंटर पे सब इकट्ठा हो गए एक और धड़ाधड़ मारने की कोशिश की। वहाँ पर DS स्ट्रॉन्ग ने इतना ओपी खेला कि उसने हेडशॉट से एक बंदा उड़ा दिया, लेकिन यार मित्स्यू का लाजवाब कवर था वहाँ पर। मित्स्यू जो पीछे से घूम के गए थे ना बहुत काम आ गया, उसने MP5 से DS स्ट्रॉन्ग भी लपेट लिया, और उसके बाद पे BS सिंगम जब नेट करने की कोशिश कर रहे थे ना उसको भी वहाँ पर लपेट लिया, वो भी हेडशॉट से लपेटा। तो मतलब एक तरीके से ना मित्स्यू बहुत सही खेल रहे थे वहाँ पर, और एकदम से पूरी टीम ही ख़त्म हो गई। कब मिक्की ने पीछे से जॉम्बी को भी उड़ा दिया, हवा भी नहीं लगी, और ये मैच भी एकदम से राउंड इन्हीं के हाथ पे आ गया। तो अब लीड जो है बहुत ऊपर आ गई थी। अब मतलब ना कि जो सिंगम की टीम है इनको लगा कि भाई ये राउंड तो जीतना ही है, कैसे तैसे जीतना है, चाहे होल्ड करके खेलो या मतलब एकदम से घुस के खेलो। इनके मतलब इनके गेम प्ले में ना अभी आप देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा एक अलग ही टाइप का गुस्सा था कि जल्दी से आगे जाके भाई पेल दे बंदे। तो ये गुस्सा ये आक्रोश जो था ना मतलब बहुत ही तगड़ा, एकदम से रश मार दिया इन्होंने, कोई सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। सबसे पहले तो इन्होंने स्टार ऐसे ही नॉक कर दिया दूर से, यही से दिख रहा था कि भाई यार गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तो भाई मारना ही मारना है यार, अगर ये राउंड भी हार गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी टीम रश कर गई, जॉम्बी तो आपको पता ही है भाई रश करने में कितने आगे होते हैं, पता नहीं वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, पिछली बार भी 8-10, 11-12 किल तो कर ही लेते हैं। तो उसके बाद अब जब एकदम से रश हो गया, सबसे पहले जैसे ही स्टार नॉक हुआ था ना तो थोड़ा सा उनको फील हुआ था कि यार भाई अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। स्ट्रॉन्ग भी आप देखो मतलब कि कैसे गुस्से से मार रहे थे, लेकिन घर में घुस के मारने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, नुकसान तो उठाना पड़ता है। सिंगम तो मतलब जो इनके लीडर थे वो तो लुढ़क गए थे, पर लेकिन उन्होंने ना उनका मित्स्यू डाउन कर दिया था। मित्स्यू डाउन हो गया तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था, तो उसकी तरफ को स्टार गए ताकि उसको रिवाइव करे, और मिक्की भी उधर ही को चले गए।
ज़ॉम्बी वॉम्बी सब अंदर चले गए। अब दिक्कत की बात ये थी, जब आप किसी के घर पे घुस के रश करते हो ना, तो यार एडवांटेज उन्हीं के पास पे रहता है जिनका घर होता है। तो इसलिए ये सब लोग क्या है, मतलब रुके, नेड वेट करा, मिक्की ने नेड करके एक दो नॉक करे, लेकिन अब दिक्कत ये थी सिर्फ ये अकेले बचे थे और उनकी टीम में दो थे, तो अब इनको जैसे तैसे भी संभालना था, रिवाइव तो कर नहीं पाते। तो मिक्की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो आक्रोश था ना, उससे जीत पाना मुश्किल था। तो इन लोगों ने क्या किया, बियत सिंघम ने पूरे गुस्से के साथ भी ये राउंड अपना लिया फाइनली। इसके बाद पे मैच हुआ इनका ऑब्जर्वेटरी पे। अब ऑब्जर्वेटरी पे जब इनका मैच हुआ ना, अब टीम पे मेन गुस्सा किस बात का था ना, स्टार्टिंग के जो दो राउंड थे ये इतनी जल्दी आ रहे थे, जबकि पिछली बार ये टॉप थ्री की टीम थी प्लेटून कप पे। तो यार इनको ना फील हुआ कि भाई यार ये बेइज्जती है, अब तो भाई कुछ करना है, अब तो आगे जाके मारना ही मारना। तो इन्होंने सबसे पहले तो M10 उठा ली। M10 एक ऐसी गन है, अगर तुम्हारी इसकी ईवो गन की स्किन है ना, तो भाई ये बहुत खतरनाक ही हो जाती है। तो मोस्टली सबने इन्होंने M10 उठा ली। ये गए, इन्होंने बोला नहीं यार बदला लेना है हमें, जल्दी से जल्दी उनको निपटाना है। लेकिन आयुर गुरखा भी कोई कम नहीं थी, लेकिन आयुर गुरखा ने पूरी कोशिश करी। लेकिन जब मिक्की डाउन हुआ तो इनको फील हुआ भाई अब तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यार मेन, मैंने आपको पहले ही बताया, मेन प्लेयर नॉक हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत की बात तो हो ही जाती है। इन्होंने एकदम से रश मारा, मिक्की डाउन हुआ, उसको पूरा ख़त्म करा और एकदम से पूरी टीम गायब कर दी इन्होंने और पूरा बदला ले लिया। लो लिमोट दिखा के उनको चिढ़ा भी दिया। अब जो इनका नेक्स्ट राउंड था ना, वो था शिपयार्ड पे। सबसे पहले तो देख, एकदम से जब दो मैच जीतती है या दो मैच हारती है ना टीम, हारने के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्या इसका फ़ायदा उठा पाती है नहीं उठा पाती, मुझे कुछ इसका मालूम नहीं था। उसके बाद ना एक और दिक्कत हुई ब्लैक हार्ट के साथ में, उनके एक बंदे के सिग्नल चले गए या पता नहीं क्या हुआ, वो पीछे ही रुका रहा और आगे सब तीनों, मतलब तीनों बंदे फाइट करने। तो ये बहुत अच्छा मौका था आयो गुरखा के लिए जीतने के लिए, कि वो इस राउंड को बहुत आसानी से जीत सकते थे। लेकिन यार मेन दिक्कत कहां पर होगी ना, एक पहला तो यार एकदम से रश चल रहा था, दोनों टीम पता नहीं किस आक्रोश में थी, एकदम से रश कर रही थी। अब दिक्कत ये होगी कि सबसे पहले एक बंदा नॉक हुआ, उसको रिवाइव करने के लिए मित्सु गया। अब मित्सु जब उसको रिवाइव कर रहा था तो वो भी मारा गया और मिक्की भी नॉक हो गया वहीं पर। तो यार तीन चार बंदे एक साथ नॉक हो गए, फिर उसके बाद सिर्फ एक बचा, उसी पे तीन भारी पड़ गए क्रोनो के साथ पे और एकदम से पूरी टीम ख़त्म हो गई। तो ये मतलब कि बहुत बुरा हुआ, मित्सु एक गोली नहीं चला पाए, टीम के लिए एक बहुत नुकसानदायक हो गया पूरा मैच। अब बहुत तेज़ी से जो ब्लैक हार्ट की टीम है वो अपने जलवे दिखा रही थी, इस जलवे दिखाने के चक्कर पे आयो गुरखा के लिए बहुत मुसीबत होने वाली थी। लेकिन अब मित्सु को भी शायद थोड़ा सा गुस्सा आ गया था यार, क्योंकि पिछले वाले में एक गोली नहीं चला पाए थे, वो भावुक हो गए थे शायद, क्या पता नहीं, लेकिन वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। अब राउंड हुआ था फैक्ट्री पे, तो मैंने सोचा यार भाई टीम हार रही है, क्या पता मेडिवॉर करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेडिवॉर का कोई एक्सपर्ट इनके पास नहीं था, ये लोग जो थे ना सीधे रश करने के लिए चले गए। दो मतलब चारों एक साइड से जा रहे थे उनकी टीम से, तो और उनकी टीम से थोड़े डिफरेंट डिफरेंट जा रहे थे। दिक्कत सिग्नलों की बहुत हो रही थी यहाँ पर टीम के बीच पे, फिर भी गेम चालू था, लड़ाई चालू थी। यहाँ पर ना ज़ॉम्बी ने क्या किया, ज़ॉम्बी ने मित्सु को पहले ही नॉक कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ज़ॉम्बी जो था ना जल्दी से जाके रश कर रहा था, एक गलती हो गई, ज़ॉम्बी जब इधर पे रश कर रहा था, टेन डेविल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो वो पूरी टीम उधर पहुंच के ना उन्होंने दो बंदे नॉक कर दिए और इसका अब घाटा होने वाला था ब्लैक हार्ट की टीम को, क्योंकि यार पूरी टीम में से दो बंदे नॉक हो गए, एक उधर है एक उधर है। तो अब जल्दी जल्दी इन्होंने इकट्ठा होकर रूम के अंदर आ गए सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी टीम के तीन बंदे बचे थे। अब यहाँ पर ना ये स्टार ने एक गलती कर दी, ये भावुक हो जाते हैं बड़ी जल्दी, और उसके बाद पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये भी नॉक हो गए। अब सारा भार था मिक्की पे, और मिक्की पे भार तो था ही, साथ पे जीतना भी पक्का था, ये चाहिए था उनको राउंड। अगर ये राउंड नहीं मिलता तो उनके लिए दिक्कत हो जाती, प्रेशर और बढ़ जाता। मिक्की लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझदारी की, उन्होंने स्टार को रिवाइव करने नहीं गए, उन्होंने देखा कि भाई हाँ ये मैं कैपेबल हूँ, एक बंदे को मार सकता हूँ, तो वो अपने मतलब स्किल्स पे डटे रहे और उन्होंने M10 की मदद से मतलब DS ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दिया। DS ज़ॉम्बी थोड़े से, मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी की बाजी करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में ही मरे वो, उन्होंने देखा नहीं, बड़े अच्छे से कवर में थे मिक्की और बड़े आराम से उन्होंने ये राउंड अपना लिया। अब नेक्स्ट तो कैटलिस्ट डिवा पे था। मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि यार कैटलिस्ट डिवा में फिर से एलशेप की कवर लेके ना बड़े आराम से मैच को जीता जा सकता है। मैं सोचने था कि यार ब्लैक हार्ट अपनाती है इस स्ट्रेटजी को या आयो गुरखा, लेकिन यार फिर से मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गई और मैच ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। सबसे पहले तो ये जो स्टॉम
टॉटनहम की टीम में थी, इसमें किसी ना किसी के सिग्नल जा रहे थे या रुक रहा था पीछे, पता नहीं किस लिए रुक रहा था, मुझे ये समझ पे नहीं आया। बाकी पूरी टीम में जोम्बी को समझाना बहुत मुश्किल था, ये इनके लिए एक दिक्कत की काम था मतलब उस वक्त पे। और बाकी जो आयोग रुका थी वो साथ पे रह रही थी एक साथ, और एक साथ हमला कर रही थी जिससे दूसरी टीम को दिक्कत हो रही थी। साथ में अगर तुम्हारी टीम में जोम्बी जैसा प्लेयर हो जो डायरेक्ट रश कर दे रहा है तो यार दिक्कत थोड़ी सी और बढ़ जाती है। लेकिन जोम्बी बहुत बेहतर प्लेयर भी है साथ पे, लेकिन यार अगर पूरी टीम पे तुम अकेले रश करोगे तो दिक्कत होती है। तो जोम्बी को तो उन्होंने नॉक कर दिया था बड़े आराम से, क्योंकि तीन बंदे थे, नॉक कर दिया। अब साथ में रहने की एक शक्ति तो होती है यार, तुम अगर जब साथ पे होते तो मार भी देते हो आराम से, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है ना जब कोई नेट कर रहा हो दूर से। और ठीक वैसा ही बीएच सिंघम की टीम ने किया नेट करने की कोशिश, लेकिन नेट से भी जब काम नहीं बना ना, अब दिक्कत यहाँ आ गई कि यार जोन भी आ गया और ये जोन के बहुत क्लोज पे थे। अब इनको बाहर जाना था, पर बाहर निकलने की बजाय ये लोग सोच रहे थे कि नेट से मार देंगे, तो लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इनको कवर कर दिया और पूरा राउंड जीता जिताया मैच हरा दिया इन्होंने ब्लैक हार्ट की टीम ने। अब आयु कुरखा यहाँ अपनी गलती से तो नहीं मरी, लेकिन बाय मिस्टेक से ज़रूर मरी, ये बहुत दिक्कत हो गई थी। अब फिर से इनके हाथ पे अब एक एक करके राउंड जा रहा था, एक वो जीत रही थी एक ये जीत रही थी। अब बारी थी मार्स इलेक्ट्रिक की, मार्स इलेक्ट्रिक में कुछ ना कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा यहाँ पर आयो गुरखा को, क्योंकि अगर आयो गुरखा नहीं कर पाई यूनिक तो दिक्कत तो हो सकती है। ये राउंड भी हाथ से गया ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर भी दोनों टीम ने जो है ठान ली थी भैया जीतना तो है, जीतेंगे ही। मुझे लगा था यार मार्स इलेक्ट्रिक पे गेम थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन ना यहाँ पर फिर से वही हो गया, जोम्बी जो है कहाँ सुनने वाले हैं, जोम्बी सीधे चल दिए रश करने। लेकिन यार ऐसा होता है ना अगर आपकी टीम में कोई बंदा रश कर रहा है और तगड़ा भी है ना, तो दिक्कत तो होती है दूसरी टीम के लिए। आयु गुरखा को सोचने समझने का टाइम नहीं मिला कि क्या करना है क्या नहीं, पूरी टीम उनके ऊपर पे हावी होगी। डेविल भी वहीं घुस गया, जोम्बी भी वहीं घुस गया, एकदम से इतना तेज रश हुआ, ऐसे हेडशॉट पड़े। लेकिन वहाँ पर ना एक बंदा पीछे के जाके कवर जरूर कर रहा था एडम, लेकिन बीएच सिंघम का नेड उनको कहाँ छोड़ता, नेड भी पड़ा और वो वहीं पर नॉक हो गए, वहीं पर उनको सुला दिया गया। सोचो वो दो कदम भी नहीं चली आयु गुरखा और उनका मैच ख़त्म कर दिया। यहाँ पर पाँच राउंड जीत चुकी थी, अब जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम से दो राउंड की लीड और चढ़ गई थी आयु गुरखा के बारे में ऊपर पे। अब तो दिक्कत होने वाली थी, ऊपर से क्लॉक टावर जैसी जगह जहाँ पर एक टीम ऊपर होती है और एक टीम नीचे होती है, नीचे वाला नेट करता है ऊपर वाला रेट करता है, तो यार ऐसी कुछ स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन पता है मुझे यहाँ पर एक बात समझ आ गई थी, वो ये समझ आ गई थी ब्लैक हार्ट की स्ट्रेटजी। ब्लैक हार्ट क्या कर रही थी, एक प्लेयर को नीचे रख रही थी और बाकी तीन प्लेयर रश कर दे रहे थे एकदम से, ठीक है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ और पता लगी कि ब्लैक हार्ट जान चुकी थी कि आयु गुरखा की कमजोरी क्या है। कमजोरी कहने का मतलब यह है कि वो उनको सोचने का टाइम नहीं दे रही थी, बिल्कुल ही रश कर दे रही थी, फिर उनकी टीम में बिल्कुल ही मतलब एक घबराहट सी हो जा रही थी, भाई क्या करे क्या करे। जहाँ कोई नॉक हो रहा था तीन घुस के दबा दे रहे थे उस बंदे को, मतलब किसी को उठने तक नहीं दे रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी मार रहे थे, क्या ही बताऊँ। एक बंदा नीचे से नेट करने की सोच रहा था सिंघम, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से मित्सु ने उसको पीछे से लपेट लिया था, लेकिन फिर भी मित्सु नीचे था, बाकी तीन बंदे इधर थ्री वर्सेस थ्री चल रहा था और एकदम से रेड कर रहे थे। रेड करने की वजह से ये राउंड भी बहुत ही आसानी थे, डीएस जोम्बी की टीम जीत गई। इमोट चिलाना वगैरह तो मतलब ऐसा कर दिया था उन लोगों ने, बहुत ही बुरा बेहाल कर दिया था। देखो जब लीड होती है तुम्हारे पास, ऊपर से तुम लोल इमोट की मदद से चिढ़ाते हो ना, तो दूसरी वाली टीम के तो प्राण ही सूख जाते हैं, बहुत दिक्कत हो गई थी। अब जो था प्रेशर बहुत ही ऊपर पहुंच गया था आयु गुरखा को ना, अब यह मैच जीतना ही था कैसे तैसे कर। यहाँ पर आयु गुरखा ने भी शायद मतलब अब समझ लिया था यार ब्लैक हार्ट जैसे डायरेक्ट रश कर रहा है, अब उससे पहले हम रश कर देंगे, ये इन्होंने यहाँ पर प्लान किया था। लेकिन 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 एक गलती जो है, मतलब ये लोग क्या करें, इन्होंने रश तो कर दिया लेकिन जो गन है ना वो रश लायक नहीं चुनी इन लोगों ने। इन लोगों ने डबल ओम ली, वो ली, मतलब यार देखो जब लीडर जो होता है ना अगर उसकी बात तुम नहीं सुन रहे हो तो टीम का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। आयु गुरखा में शायद ठीक ऐसा ही हुआ, डबल ओम लेके रश किया था बंदे ने, ठीक है। इन्होंने जल्दी जल्दी रश करने की कोशिश करी, साथ पे
ये तीनों अब जो ब्लैक हार्ट थी वो एकदम से घुस गई। ओम चला रहे थे स्टार कोने से, लेकिन इतनी क्लोज से ओम चलाना ठीक नहीं है। घर का कवर लेके चलाते तो बढ़िया बात बनती, शायद जीत सकते थे। राउंड हाथ से निकला जा रहा था, फिर मिकी भी डाउन हो गए। फिर मैं समझ गया था यार अब ये राउंड तो हाथ से गया, अब तो ये मैच इनके हाथ से निकल चुका है। आयो गुरखा की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये होगी ना यार, जब तुम लीडर की बात नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो सकती है। क्या पता सुनी हो या क्या नहीं सुनी हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतनी फास्ट रश ब्लैक हार्ट का बहुत तगड़ा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा यार राउंड वन पे फिर से रजिस्टर कर लो, क्योंकि अभी भी तीन स्लॉट्स खाली हैं। तीन स्लॉट मतलब छः टीम रजिस्टर कर सकती है। रजिस्टर करो, फिर से आओ, फिर से एक और मैच हो जाएगा और फाइट अराउंड फैक्ट्री की हमारी हैक ट्रिक और विन की मैच आ रही है जल्दी वीडियो, वो भी आप देखिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में